दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा कृतिका सेंगर कई सीरियल में एक्टिंग करती हुई नजर आ चुकी हैं और अपने एक्टिंग करियर में काफी ज्यादा कामयाब हो चुकी हैं, और इसी वजह से पर्दे से दूर होने के बावजूद भी दर्शक आज भी इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने सीरियल में अच्छी एक्टिंग से आप सभी लोगों का मनोरंजन करने वाली कृतिका सेंगर आज कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी इनके आज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही कृतिका सेंगर के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे कई सीरियल में नजर आई अदाकारा कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जहाँ से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कम्प्लीट की थी। वहीं अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत महज 21 साल की उम्र में कर दी थी। जी हां, साल 2007 में आए शो कसौटी जिंदगी में प्रेरणा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी और अपने किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था, और इनकी इसी काबिलियत को देख कर कई और डायरेक्टर ने इन्हें अपने सीरियल में एक्टिंग करने का मौका दिया, जिसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, झांसी की रानी और पुनर्विवाह जैसे कई शोज के नाम शुमार हैं, तभी तो आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में तो बता दे, ये आज 35 साल की हो चुकी हैं और अपनी 35 साल की उम्र में अपने सीरियल में नजर आए लुक के अकॉर्डिंग आज बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। जी हाँ, अगर आप सीरियल में देखेंगे तो ये कभी आपको कुर्ती तो कभी लहंगे और साड़ी जैसे ड्रेस में दिखाई देंगी, जिसमें ये काफी अच्छी लगती हैं। वहीं आज ये फैशनेबल कपड़ों के साथ लेटेस्ट डिजाइन की कुर्ती पहनती हैं और खुले बाल रखती हैं, जिसमें ये काफी खूबसूरत और हेल्दी नजर आती हैं। अब बात करें इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दे, ये कसम तेरे प्यार की सीरियल में अभिनेता सरद मल्होत्रा के साथ आखिरी बार नजर आई थी, जिनके साथ इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी, जिसके बाद ये किसी सीरियल में नजर नहीं आई है। पर इन्होंने साल 2014 में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता निकेतन धीर से शादी कर ली थी और अपनी शादी के 7 साल बाद ये अब फाइनली माँ बनने वाली हैं, और कुछ टाइम के बाद इनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं, और इन दिनों ये अपनी प्रेगनेंसी की वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है, और इनके ससुर से लेकर इनके फैंस को भी इनके आने वाले बच्चे का बेहद इंतजार है। तो दोस्तों, आपका कृतिका सेंगर के आज के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।